गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले मेरा लेक्चर था, लेक्चर 9 चैप्टर 3.4 हम खत्म किए थे, ठीक है। आज हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 3.5, पेज नंबर 62, लेक्चर 10 है, चैप्टर वही है और क्लास 10 है। उम्मीद है कि 15th लेक्चर तक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि समझ में भी आएगा, होमवर्क दे रहे हैं उसको तुम लोग बना के भी दिखा रहे हो, इसीलिए आज हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर 10 है मेरा। इसमें आज हम पढ़ा रहे हैं कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। इसको पहले लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा टाइम भी बचेगा, अब इस पे फिर सवाल देंगे। पहले इसको समझाना है कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी क्या होता है। याद होगा जब हम ग्राफ पढ़ाए थे तो उस टाइम भी हम बताए थे कि इसको हम आगे देखेंगे। जिस टाइम ग्राफ पढ़ाए थे उस टाइम बताए थे कि कैस कोई अगर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा, कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग होगा कि डिपेंडेंट होगा या पैरेलल लाइन होगा, तो उसका हम तरीका बताए थे। फिर हम उसी टाइम ये भी बताए थे कि इसको हम फिर आगे पढ़ाएंगे, तो अभी हमको इसको पढ़ाना है। मेरा चैप्टर 3.5 पढ़ने से पहले हमको ये चीज जानना पड़ेगा कि कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी जो है, किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन जब तुमको दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करने का कुछ कंडीशंस होता है। अब उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है, इसको पहले समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया तो ये जो चैप्टर है ये समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो देखो क्या, जैसे कि यहाँ देखो लिखा हो इफ a1x + b1 + c1 = 0, a2x + b2 + c2 = 0 इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, या पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें तीन कंडीशंस होगा, याद रखना, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया रहेगा तुमको, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें तीन कंडीशन होगा। अब देखो तीनों कंडीशन कौन कौन होगा थोड़ा उसको समझो। पहला कंडीशन होगा इफ a1 / a2 = b1 / b2, अगर ये कंडीशन होगा तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। इससे पहले भी हम बताए इफ a1 / a2 = b1 / b2 देन दिस पेयर ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसका, क्योंकि हम लोग पहले ही बताए कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा तो उसका दो मेथड से सॉल्यूशन होगा, एक अलजेब्रिक और ग्राफिकल। तो आप अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर इस कंडीशंस का होगा तो उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो हम करेंगे वो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी उसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेगा उसमें एक्स का एगो वैल्यू निकलेगा और वाई का एगो वैल्यू निकलेगा, जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसका एकक वैल्यू आएगा। इससे पहले हम तुम लोग को जितना भी इक्वेशंस वाला सवाल करवाए जो तुम लोग बना करके दिखाए भी हो बहुत अच्छा से, 40-50 जितना भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारा क्वेश्चन में तुम लोग देखे होगे एक्स का एक वैल्यू निकलता था, वाई का एक वैल्यू निकलता था। वो सारा क्वेश्चन जो हम दिए हैं वो इस पर दिए तुमको कंसिस्टेंट पर, उस सब इक्वेशन को अगर तुम चेक करोगे तो इस टाइप का आएगा a1 / a2 = b1 / b2 होगा सब में। अब इसका समझो, इस टाइप का होगा तो उसका क्या होगा पेयर ऑफ इक्वेशन का नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और उसका जो सोल्यूशन करेंगे तो उसका वन सोल्यूशन होगा, उसी को बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको या तो ओनली वन सोल्यूशन बोलेंगे या यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो ग्राफिकल स्टेटस जो होगा, जो ग्राफ होगा उसका, या लिखिए यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफ सॉल्यूशन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। मतलब इस टाइप का जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेगा उसको जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि दो जो ग्राफ बनेगा वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट। अब दूसरा देखो क्या है, इफ a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, याद होगा इससे पहले भी हम कराए, तो इसको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसका भी नाम होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, याद रखना है, इस दोनों का कंसिस्टेंट होता है। अब इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो करेंगे तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा इसका, याद रखना, और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा इसका ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, यानी कि दोनों जो लाइन होगा वो एक दूसरे पर इस तरह से आएगा। वो ग्राफ बनाए होंगे, हम तीन सवाल दिए थे याद होगा पेज नंबर 2 में, उसमें जो दूसरा वाला दिए थे वो इसी टाइप का था, तो तुम लोग देखा होगा उसका जो दोनों जो लाइन आया था वो कोइंसिडेंट हो गया था, इस तरह से हो गया था, यानी डिपेंडेंट हो गया था। उसका ग्राफिकल स्टेटस जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट होगा। अब एक चीज समझो, अब तीसरा देखो, इफ a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, ठीक है ना, तीनों का केस अलग अलग, ध्यान देना। अब इसमें एक बार चीज समझ लो कि a1 / a2 = b1 / b2 का तो तुमको c1 / c2 से लेना देना नहीं है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ फिर समझ लो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, थर्ड वाला जो होता है c1 / c2 उसको हमको मतलब ही नहीं रखना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ऊंचाई इक्वल हो या नहीं उससे हमको मतलब नहीं रखना, जब भी ये दोनों इक्वल नहीं हुआ उसको हमको नहीं लेके चलना। अब देखो इसको तीन नंबर को, a1 / a2 = b1 / b2 के और नहीं इक्वल c1 / c2 के, तो उसका जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। ये दोनों कंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट होता है, इसको ध्यान रखोगे, इस पर सवाल एकदम रहता ही रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ग्राफ भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बार ग्राफ में पहले चेक करने के लिए दिया, अभी हम जब चैप्टर पे चलेंगे पहला नंबर का जो क्वेश्चन बनाएंगे वहां पहले चेक करने के लिए दिया हुआ है, कभी कभी ग्राफ जो पूछता है उसमें भी पहले चेक करने के लिए देता है, तो इसके बाद हम तुमको बताते कि चेक कैसे होगा, ये चीज समझा हुआ रहेगा तब तुमको चेक करने के लिए आएगा।
इफ ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई टू नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू हो तो उसका जो पेयर हो जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। उसका अल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको हम समझाते हैं, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, उसको भी समझाते हैं। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल स्टेटस जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा। तुम लोग देखा होगा, चेक किया भी होगा, तो जब पेज नंबर टू में जो थर्ड नंबर का जो हम क्वेश्चन दिए थे वो पैरेलल लाइन पे ही दिए थे। उसका जो कभी भी दो पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर इस फॉर्म पर आएगा कि ए वन बाय ए टू इक्वल हो बी वन बाय टू के नॉट इक्वल सी वन बाय सी टू के हो, तो उसका जो ग्राफ जो बनेगा वो दोनों पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइन। कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन जो दोनों लाइन होगा वो आपस में पैरेलल होगा। अब एक चीज समझो, अगर दो पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेगा वो अगर इस कंडीशंस पे रहेगा है ना, तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन पे होगा तो उसका इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और इस कंडीशन पे होगा तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। ग्राफ तो जैसे बनता है तो सबका वैसे ही बनेगा, ग्राफ में दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझ लो, यहाँ जो अल्जेब्रिक मेथड में जो हम तीन मेथड तुम लोग को पढ़ाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो तीनों मेथड सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले के लिए है। यानी जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस इस फॉर्म का होगा उसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो भी इक्वेशन इस दोनों मेथड पे होगा उसका सॉल्यूशन अल्जेब्रिक मेथड में नहीं होता। बस याद रखना है कि उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, बस याद रखना उसका नहीं होगा। तुमको अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा और उसको कहेगा कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो चीज दिमाग घुसा लो। कोई भी अगर पेयर ऑफ इक्वेशन देगा उसको कहेगा अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, या कोई भी मेथड से अगर तुमको देगा सॉल्व करने के लिए, तो समझ लेना वो इस पर है, यूनिक सॉल्यूशन पर है। यानी वन सॉल्यूशन होगा, उसमें एक्स का एक वैल्यू वाई का एक वैल्यू निकलेगा। ऐसा तुमको कोई पेयर ऑफ इक्वेशन नहीं देगा जो इनफिनिट सॉल्यूशन का होगा, तुमको कहेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकल, नहीं। वो जो तीनों मेथड है वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ग्राफ तो किसी का भी हो सकता है, ग्राफ तो हम लोग देख भी करते हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ पर जो ग्राफिकल स्टेटस जो है उससे भी हमको पता चलता है कि इसका जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी इंटरसेक्टिंग वाला का ग्राफ कैसा बनता है, दोनों एक दूसरे दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो देखो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया ना, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये दोनों कहां, एक ही पॉइंट पर, दो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कर सकता है एक ही पॉइंट पर, मिनिमम एक पॉइंट पर करेगा, मैक्सिमम तो इनफिनाइट होगा। अब जैसे देखो यहाँ, अब इस वाला कंडीशन का ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ देख चुके हैं तुम लोग, इस तरह से दोनों जो है एक ही लाइन पर इस तरह से आता है, ठीक है ना। अब एक चीज समझो कि यह जो दोनों लाइन हुआ है इसमें कितना पॉइंट कॉमन है, इनफिनाइट पॉइंट कॉमन होगा ना। दो लाइन अगर इस तरह से होगा, दोनों एक दूसरे पर है, डिपेंडेंट है, कोइंसिडेंट है, तो उसमें कितना पॉइंट कॉमन होगा, इनफिनाइट। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा अगर अल्जेब्रिक मेथड से किया जाएगा तो। अब एक चीज समझो, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसा बनता है, इस टाइप से बनता है ना। तो हम इसका ग्राफ अगर इस टाइप से बना है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका ग्राफ जो इस टाइप से बना है इसको क्या समझेंगे, इसमें देखो तो कितना पॉइंट कॉमन होगा, इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, होगा इसमें एक भी पॉइंट कॉमन है, नहीं है। दो पैरेलल लाइन अगर हम लेंगे, दो पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन होगा, नहीं होगा, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी सिंपली तुम लोग बस इस बात को याद रखना के ए वन बाय ए टू डजंट इक्वल बी वन बाय टू हुआ तो उसका कंसिस्टेंट होगा अल्जेब्रिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होगा। ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसका जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, अल्जेब्रिक सॉल्यूशन इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लाइन होगा। इसका जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा ये अल्जेब्रिक सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होगा, ग्राफ सॉल्यूशन जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा। अब हम देखेंगे, अब जैसे तुमको दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया रहेगा उसमें चेक करने के लिए बोलेगा कि चेक करना है कि उसका वन सॉल्यूशन है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। अब हम चेक करके देखेंगे, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कैसे इसका हम पता लगाएंगे कि इसका इनफिनाइट है या मेनी सॉल्यूशन है कि क्या है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, हम पहला नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। चलो अब देखो ये है पेज नंबर 62 चैप्टर 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का वन नंबर अभी हम बनाएंगे। पहले इसका ऊपर क्या है इसको देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब थोड़ा पहले इसको समझते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशंस नीचे में दिया हुआ है उसमें कौन सा यूनिक सॉल्यूशन पर है, कौन सा नो सॉल्यूशन पर है और कौन सा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन पर है, ठीक है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अब उसमें जो भी यूनिक सॉल्यूशन पर है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। उसमें जो भी यूनिक सॉल्यूशन पर है यानी जिसका सिर्फ वन सॉल्यूशन, जैसे अभी हम लिखा थे नंबर फर्स्ट वाला, अगर उस पर है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालना है, समझ लो बात। अगर यूनिक पर है तभी निकालना है, नो सॉल्यूशन यानी फाइनाइट पर है तो उतना ही निकालना है। अब जैसे फर्स्ट का फर्स्ट नंबर हम बना रहे, ठीक है, ध्यान देना कि कैसे बनेगा फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किस पर है, ये यूनिक सॉल्यूशन पर है कि नो सॉल्यूशन पर है या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन पर, हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका, जो मेरा इक्वेशंस दिया रहेगा उसको सब उसको उसमें हमको आरएचएस को जीरो करना है, मतलब सबको हम एलएचएस ले लेंगे। इसमें पहले से ही सब एलएचएस में है, आरएचएस मेरा जीरो है, तो यहाँ हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वी है, इस तरह से लिखेंगे या वेयर, देखो ए वन कितना, समझ लो फर्स्ट इक्वेशन का वन, बी वन कितना माइनस थ्री, सी वन कितना माइनस थ्री, ठीक है। ए टू कितना, ए टू हो जाएगा मेरा थ्री, बी टू माइनस नाइन एंड सी टू माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको इस तरह से हम वी है लिखने का जो है वो अपने हिसाब से हम किस तरह से लिख ले लिख सकते हैं। अब देखो ए वन बाय टू पहले हम कर रहे हैं, तो ए वन बाय टू मेरा कितना ए वन ए टू यानी वन बाय थ्री, ठीक है। फिर बी वन बाय बी टू, बी वन कितना माइनस थ्री बाय कितना माइनस नाइन इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं वन बाय थ्री, होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, थ्री बाय नाइन है तो वन बाय थ्री हो गया। एंड सी वन बाय सी टू, एंड सी वन बाय सी टू, सी वन कितना मेरा माइनस थ्री बाय माइनस टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं मेरा ए वन बाय टू कितना आया, इतना आया, ये कितना आया, इतना आया, ये कितना आया, इतना आया, ध्यान से समझो। पिछले बार भी जो हम अगर बताए थे तो कुछ स्टूडेंट बोला था सर हमको यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो इसको समझो। अब इसमें देखो सबसे पहले अभी कुछ ना करें, अभी जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ था ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ले लिए, अब ए वन बाय ए टू करेंगे, तो ए वन बाय ए टू करें तो ए वन कितना वन, ए टू कितना बाय थ्री ले लिए। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिए, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करेंगे। जैसे यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म किए, बी वन बाय बी टू किए, बी वन कितना माइनस थ्री, बी टू कितना माइनस नाइन, इसको कैंसिल करें वन बाय थ्री आया। सी वन बाय सी टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस माइनस कैंसिल थ्री बाय टू। अब ये देखो क्या हुआ, ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर है, देखो क्लियरली ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के इक्वल है, वन बाय थ्री वन बाय थ्री। सी वन बाय सी टू का क्या पोजीशन है, देखो वो इक्वल नहीं है, वो कितना है थ्री बाय टू है ना। तो हम क्या देख रहे हैं क्लियरली, हम क्या देख रहे हैं कि ए वन बाय ए टू जो है वो इक्वल है बी वन बाय बी टू के, ठीक है, और डजंट इक्वल है सी वन बाय सी टू के। या अपने से तो नहीं लिए, जैसा इसका कंडीशन है उस हिसाब से हम इसको लिए। अब जब ये लिए तो अभी जो हम इससे पहले तुम लोग को कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी बताए हैं उसमें ये क्या था, ये तीन नंबर का पोजीशन था। इसमें तुम लोग देखे होंगे कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो ग्राफ एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो हम लिखे वहां पे लिखे नो सॉल्यूशन, मतलब ये जो हमको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इसको जब हम सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक मेथड में तो सॉल्व तो होगा ना, ये क्यों, क्योंकि ये कौन सा है नो सॉल्यूशन पर, तो हम लिखेंगे, तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ये हो गया इसका टेस्ट करने जो हमको बोला था ये हो गया नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ गया मेरा क्या आंसर। अब हमको एक चीज समझो, यहां पर क्या बोला था पहले चेक करने के लिए कि यूनिक है कि नो है कि इनफिनाइट है, ये मेरा क्या आया नो सॉल्यूशन आया, देखो ना नो सॉल्यूशन आया। अब आगे क्या बोला था, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, कहा था इफ अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तब हमको सॉल्व करना, तो ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन पर है, नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर यही तक हो गया। इफ या इन केस अगर ये यूनिक सॉल्यूशन पर होता अब हम इसको अब आगे सॉल्व करते है ना, इतना तक लिखने के बाद तब हम लिखते हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, तब उसके बाद हम लेते बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बाय वन बी टू माइनस ए टू बी, तो उस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का है तो हम यही छोड़ देंगे, अगर वो इनकेस यूनिक सॉल्यूशन का होगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है, एक का हम एक बनाए हैं, बाकी दो तीन चार तुम लोग अपने से बनाओगे। अब हम सीधा दो नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए। TDA प्लस बी माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये दो का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो इसको। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यहाँ जो इक्वेशन में जो ए और बी दिया हुआ है, कहता है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कह रहा है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इसमें इनफिनाइट वैल्यू के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये कह दिया है कि ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का इनफिनाइट सॉल्यूशंस होगा, तो बताइए कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अब देखो हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दिया रहेगा उसमें हम आरएचएस में जीरो करेंगे, सबको हम एलएचएस में लेंगे। सॉल्यूशन ध्यान देना, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गया, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से a1 इज इक्वल टू 2, b1 कितना हो गया 3, c1 कितना हो गया माइनस 7, a2 कितना हो गया a माइनस बी, b2 कितना हो गया a प्लस बी, एंड c2 कितना हो गया माइनस माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, ये क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस का इनफिनाइट सॉल्यूशंस, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव infinite number of solutions, will have infinite solutions, ठीक है, will have infinite number of solutions या infinite solutions एक ही बात है, तो जैसा बोलेगा हिसाब से इसको लिख दिया। अब ये बात सब क्वेश्चन में बोल दिया, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब इसका conditions क्या होता है infinite solutions का, then a1 by a2 equal होगा किसके, b1 by b2 के, और इक्वल होगा किसके, सी वन बाय सी टू के। ये होगा, ये कंडीशन होता है इनफिनाइट सॉल्यूशंस का। अब अगर ये ऐसा बात है तो इसको अगर हम इस ये जो मेरा ए वन ए टू है इसको अगर हम इस पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान तो होगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा टू बाय कितना इक्वल छूट गया क्या, ए टू बी टू, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा ए माइनस b ब्रैकेट में, और देखो यहां कितना हो जाएगा b1 कितना है 3 बाय a प्लस b, c1 कितना है माइनस 7, माइनस 7 बाय, अब ध्यान देना यहां c2 कितना है माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब इसको जो अगर हम आगे लेकर देखें, अब ये क्या बोलता है, ये जो हम लाइन आया है ध्यान से देखो इसको, ये जो लाइन आया है ये लाइन क्या कह रहा है, ये वाला कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, जो कि ऊपर में भी हमको लिखा हुआ, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो देखो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम करेंगे कि 2 बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस बी, ठीक है, एंड ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अब हम इसको जो इसके साथ लेंगे 3 प्लस बी माइनस 2, माई गॉड माइनस 2, ठीक है ना, बताते हुए अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एंड 3 बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाय 3 ए प्लस बी माइनस 2, क्लियर, ठीक है, ब्रैकेट में और इसको भी ब्रैकेट में। अब ये कह रहा है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से समझो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे, ध्यान से देखो इसको इसके साथ इसको इसके साथ, देखो तो ये इस तरह से होगा 3a माइनस 3b और ये 2a प्लस 2b, हम इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, मतलब 3a माइनस 3b तो हो गया, अब ये वाला जो इक्वल करके उधर जाता तो उसको हम अंदर ले लिए, सिंपल। एंड अब देखो यहां ये इसके साथ होगा ये इसके साथ होगा, पहले हम इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा कितना 9a प्लस 3b माइनस 6, है ना, 7a अंदर ले रहे हैं हम इसको एलएचएस में, 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। अब जो ये हो जाएगा तो देखो तो कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2a यानी कि a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मेरा बना,
ठीक है ना। अब इसको देखो ध्यान से, 9a माइनस 7a ये कितना हो रहा है 2a, 3b माइनस 7b ये कितना हो रहा है 4b, और ये कितना हो रहा है माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देखो, तो इस सब में से हम दो कॉमन ले सकते हैं, ये सब में से हम दो कॉमन ले सकते हैं, ये इक्वेशन में से हम दो अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ये था सेकंड ये था। अब यहां समझो थोड़ा सा, दो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा a, यहां हो जाएगा 2b, यहां हो जाएगा 3, उस दो को जो हम उधर करेंगे तो 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए इतना हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को जो तुम लोग सॉल्व करोगे एनी मेथड, ठीक है ना, कोई भी मेथड से, इसमें बोला नहीं कि कौन मेथड से सॉल्व करने के लिए, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद तुमको वैल्यू निकल जाएगा। हेंस ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1। इस दोनों का इसको देख लोगे, अगर प्रॉब्लम लगेगा तो बोलना, हम इसको फिर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दो जो है वो हम बता रहे हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, दो का दो नंबर, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल है विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब यहां नो सॉल्यूशंस के लिए बोला है, यहां पूछ रहा है के का वैल्यू, मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हमको दिया हुआ है इसमें नो सॉल्यूशंस के लिए, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन हो उसके लिए के का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है देखो उसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आरएचएस में 0 कर लीजिए, इसको लिखेंगे तो देखो तो ये कैसे होगा, 2k-1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट में इस तरह से इक्वल, ये पूरे को हम अंदर ले लिए माइनस लगा दिए ब्रैकेट में दे लिए, उस हिसाब से देखो तो ए वन कितना हो जाएगा मेरा 3, बी वन कितना हो जाएगा 1, सी वन कितना हो जाएगा माइनस 1, ऑल्सो ए टू इज इक्वल टू 2k-1 पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे, पी टू कितना हो जाएगा मेरा के माइनस 1, सी टू कितना हो जाएगा माइनस 2k+1। एक चीज समझो यहां पर, इस टाइप के इक्वेशंस जब रहेगा तो देखो ए टू किसको लेंगे, एक्स को छोड़ करके जितना चीज बचेगा सब मेरा ए टू में आ जाएगा, मेरा बी टू देखो क्या होगा, यहां प्लस है इसीलिए हम प्लस ही रहने दिया है बी टू, देखो ध्यान से ए टू हो गया, एक्स को छोड़कर जितना एक्स का कोफिशियंट हो रहा है सब ए टू, इसको ले लेंगे, वाई को छोड़कर जितना चीज हो रहा है सब, जब नंबरिंग रहेगा तब तो सिंपल है, दिक्कत ना हो इस बात, इस स्टेप के बारे में y का कोफिशिएंट कितना है k-1, तो b2 हो गया मेरे ये, और जो कांस्टेंट टर्म जितना रहेगा वो सब माइनस के साथ उसको इधर, है ना। अब इसमें क्या बोला है, नो सॉल्यूशंस के लिए देखो क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have no solution, कौन solution? No solutions के लिए बोला, the given system of equations will have no solutions, मतलब हम ये लिख रहे हैं जो given system of equations है उसका no solution होगा if, ठीक है, if क्या conditions होना चाहिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2, clear। अब ये conditions स्टार्टिंग में बताए हैं हम, इसको पूरा याद रखना एकदम ध्यान से, कभी पूछेगा बताओ इनफिनिट सॉल्यूशन का कंडीशंस क्या होता है, तुरंत बोलना पड़ेगा a1 by 2 equal to b1 by 2 equal to c1 by c2। अब जैसे ये ले लेंगे, ठीक है, अब देखो इसको हम किस तरह से लेंगे, अब इसको जो हम इस पर अगर वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 by a2 कितना है 2k-1 ब्रैकेट इज इक्वल टू b1 मेरा कितना हो गया b1 1 by कितना है k-1 ब्रैकेट में ले लिए इसको, नॉट इक्वल टू सी वन कितना है मेरा -1 बाय सी टू कितना है -2k+1, क्लियर। अब देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल नहीं है, तो अभी हम नहीं वाला को छोड़ करके चलेंगे, अभी हम जो इक्वल है जैसे इससे पहले वाले देखे थे तीनों इक्वल था, पहले ये दोनों को लिए फिर ये दोनों, वहां दो इक्वेशन इसीलिए भी हमको बनाना पड़ा इससे जस्ट पहले वाला सवाल में एक नंबर में, इसीलिए हमको बनाना पड़ा क्योंकि वहां पर दो वैल्यू भी दो को निकालते हैं, ए का एक बी का, देखो यहां सिर्फ के का वैल्यू निकालना, तो कोई एक को पकड़ने से ही मेरा काम हो जाएगा, हम ये दोनों को पकड़ रहे हैं, लिख रहे हैं 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, ठीक है,
अब जैसे ही हम ऐसा करेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो देखो तो ये इस तरह से होगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। अब देखो ध्यान से 3k-2k इज इक्वल टू -1+3। अब ये जो होगा 3k-2k जाएगा तो k इज इक्वल टू 3-1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद लिखेंगे हेंस k इज इक्वल टू 2। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, k इज इक्वल टू 2 मेरा हो गया आंसर। अब ये तुम्हारा हो गया 2 का 2 नंबर, इसमें दो ही सवाल है, ठीक है देखिए समझ लो यहां पर इसमें दो ही सवाल है। इस 2 के बाद जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको हम यहीं पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या समझ लो, क्वेश्चन है 8x+5y इज इक्वल टू 9, 3x+2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन को कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और उसके बाद बताइए दोनों मेथड से कह रहा है कि सॉल्व करने के लिए। और तुम लोग अगर मेरा लेक्चर देखोगे लेक्चर 4, 5, 6 तो ये उस तीनों लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तीनों मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन से भी लेक्चर 4 में, लेक्चर 5 में एलिमिनेशन से, लेक्चर 6 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग खुद सही बनाओगे, ये 2 कंप्लीट हो गया, 3 नंबर बनाओगे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा लेक्चर 11 का वो होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर से जो कि वर्ड प्रॉब्लम का है। अब ये तुम्हारा होमवर्क में है, तुम लोग इसको बना करके भेजोगे, ठीक है। कोई दिक्कत ना होगा, दिक्कत होगा तो बताना, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। ओके गुड बाय।